नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं हूं इस समय शाहदरा रेलवे स्टेशन पर। आज मैं जा रहा हूं त्रिलोक तीर्थ धाम बागपत। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली से त्रिलोक तीर्थ धाम दर्शन करके 5 घंटे में कैसे वापस आएँ, वो भी सिर्फ 100 रुपये के खर्चे में। दिल्ली से आप कौन सी ट्रेन से जाएँ, किस ट्रेन से वापस आएँ, ट्रेन में कितना किराया लगेगा, हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। अभी दोस्तों सुबह के 7:55 हो रहे हैं और 8 बजे की हमारी ट्रेन है दिल्ली सहारनपुर डेमो एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर है 044-01। हमारी ट्रेन अपने सही टाइम पर दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। अगर आप पुरानी दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप पुरानी दिल्ली से भी इस ट्रेन को ले सकते हैं। पुरानी दिल्ली से ये ट्रेन सुबह 7:45 पर रवाना होती है दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन के लिए। 7:59 पर यह दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है और यहां पर 2 मिनट रुकती है। उसके बाद 8:01 पर ये रवाना हो जाती है आगे के लिए। मैं ऑलरेडी ट्रेन में बैठ चुका हूं और हमारी ट्रेन दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है आगे के लिए। त्रिलोक तीर्थ धाम पहुँचने के लिए दोस्तों हमें खेकड़ा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। दिल्ली से खेकड़ा रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है और इस ट्रेन में दिल्ली से खेकड़ा रेलवे स्टेशन तक का नॉर्मल किराया है पर व्यक्ति 30 रुपये। दिल्ली से खेकड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचाने में ये ट्रेन 40 से 45 मिनट का समय लेती है। इस ट्रेन ने हमें अपने सही टाइम पर 8:42 पर हमें खेकड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया है। अब मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलूँगा त्रिलोक तीर्थ धाम के लिए। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको त्रिलोक तीर्थ धाम के लिए यहाँ के लोकल बैटरी रिक्शा और टेम्पो मिल जाएंगे। खेकड़ा रेलवे स्टेशन से त्रिलोक तीर्थ धाम की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। त्रिलोक तीर्थ धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बागपत ज़िले के बड़े गांव में स्थित है। इन बैटरी रिक्शा में शेयरिंग में 20 रुपये किराया है खेकड़ा रेलवे स्टेशन से बड़ा गाँव त्रिलोक तीर्थ धाम तक का। आप इन बैटरी रिक्शा को पर्सनल बुक करके भी त्रिलोक तीर्थ धाम पहुँच सकते हैं, जो कि आपसे 50 से 60 रुपये चार्ज लेगा बैटरी रिक्शा वाला। अगर आप शेयरिंग में आते हैं तो आपको बैटरी रिक्शा वाला बड़े गांव में उतार देगा। बड़े गांव से आप 5 मिनट पैदल चलकर मंदिर तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। दोस्तों अभी सुबह के 9:25 हो रहे हैं और मैं खेकड़ा रेलवे स्टेशन से त्रिलोक तीर्थ धाम मंदिर 1/2 घंटे में पहुँच गया हूँ। सामने आप ये गेट देख रहे हैं, ये त्रिलोक तीर्थ धाम मंदिर का मेन प्रमुख द्वार है। यहाँ पर आपको एंट्री करवानी होती है, यहाँ पर आपका नाम और पता लिखा जाता है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एंट्री टिकट या कोई भी चार्ज नहीं है। सामने आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा और कितना विशाल ये मंदिर है और सबसे ऊँची चोटी पर भगवान महावीर जी की मूर्त है। इस मंदिर के टॉप तक दोस्तों मैं आपको ले जाऊँगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस मंदिर के आर्किटेक्चर डिज़ाइन को आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। इसीलिए दोस्तों इस मंदिर को भारत का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। यह बागपत ज़िले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है। यहाँ पर फवारे भी लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं सामने ये फवारे शाम को चलाए जाते हैं। अगर आप शाम के समय यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का दृश्य और भी अद्भुत रहता है, देखने लायक रहता है दोस्तों, और भी सुंदर लगता है ये मंदिर। इस मंदिर में कई तरह की कलरफुल लाइटें लगाई गई हैं जिसके कारण शाम को ये मंदिर और भी खूबसूरत लगता है। अगर आप बागपत ज़िले के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ पे शाम को आइए, शाम को इस मंदिर की रौनक अलग ही दिखती है। टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर भगवान महावीर जी को समर्पित है और जैन धर्म के लोगों के लिए एक पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यह पूरा मंदिर 50 वर्ग क्षेत्र में बना हुआ है। यह मंदिर 16 मंजिल का बना हुआ है जो देखने में अत्यंत खूबसूरत है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन
वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे दोस्तों। इस मंदिर में तीनों लोकों के बारे में बताया गया है, इसीलिए इस मंदिर का नाम त्रिलोक तीर्थ धाम रखा गया है। जिस समय दोस्तों आप इस मंदिर के अंदर आओगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में हैं, आप तीनों लोकों के दर्शन कर रहे हैं। एक साथ यहाँ पर आप तीनों लोकों के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है दोस्तों, मैंने रिक्वेस्ट करके छोटी सी वीडियो बना ली थी। इस मंदिर में दोस्तों लिफ्ट भी लगी हुई है, आप लिफ्ट के द्वारा भी इस मंदिर में घूम सकते हो। इस मंदिर के हर मंजिल में आपको एक अद्भुत दृश्य ही देखने को मिलेगा। इस मंदिर के हर फ्लोर पर चारों तरफ सिर्फ आपको प्यारी प्यारी खूबसूरत मूर्तियां ही नज़र आएंगी। दोस्तों इस मंदिर के सबसे टॉप पर आ गया हूँ मैं, आप देख सकते हो भगवान महावीर की मूर्ति है कितनी बड़ी, ये देखिए दोस्तों। थकावट हो गई दोस्तों, यहाँ पे लिफ्ट भी लगी है, आप लिफ्ट के माध्यम से भी आ सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ ऊपर से इस बड़े गांव का नज़ारा ये देखिए। और यहाँ पर और भी जैन धर्म के मंदिर हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, आप यहाँ पे घूम सकते हैं। ये देखिए सामने आप जो ये काले पत्थर से बनी प्रतिमा देख रहे हैं, ये भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा है, जो भगवान महावीर का ही रूप है। इस मंदिर के चारों तरफ सिर्फ आपको हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। दोस्तों मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे यहाँ पर आकर कितना सुकून और शांति मिल रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी स्वर्ग में हूँ। ये पूरा मंदिर घूमने के लिए दोस्तों आपके पास कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय ज़रूर होना चाहिए। अभी दोस्तों टाइम क्या हो रहा है, अभी दोस्तों मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 10:25 हो रहे हैं और मैंने ये मंदिर अच्छे से घूम लिया है। इस मंदिर परिसर में बच्चों के झूलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। इन झूलों के लिए आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है, हर झूलों के अलग अलग प्राइस हैं, किसी के 30 रुपये, किसी का 50 रुपये। अगर दोस्तों आप इस मंदिर के आसपास रहते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। 11:53 पर हमारी ट्रेन है, अभी हमारे पास काफ़ी समय बचा हुआ है। यहाँ पर एक दो मंदिर और भी हैं खूबसूरत, मैं वहाँ भी दर्शन करूँगा। सामने आप वीडियो में वाइट कलर का ये मंदिर देख रहे हैं, ये 30-24 मंदिर है। ये मंदिर ठीक त्रिलोक तीर्थ धाम मंदिर के पास में ही है। इस मंदिर के अंदर भी आपको बहुत ही प्यारी भगवान की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। फूल के आकार में यहाँ पर सभी मूर्तियाँ बना रखी हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में कितना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का। 5 से 10 मिनट में आप इस मंदिर को बहुत ही अच्छे से घूम सकते हैं। 30-24 मंदिर से 10 कदम की दूरी पर दिगंबर जैन मंदिर है। दिगंबर जैन मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, यह मंदिर भगवान पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। यहाँ पर बने सभी मंदिरों की टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक है। इस मंदिर परिसर में एक चमत्कारी कुआं भी है, जहाँ से भगवान की मूर्ति निकली थी, उस कुएँ के भी दर्शन मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। दोस्तों ये है वो चमत्कारी कुआं जहाँ से पार्श्वनाथ भगवान जी की मूर्ति निकली थी, आप भी दोस्तों इस दिव्य कुआं के दर्शन कर लीजिए। सन 1922 में इस कुएं से भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। 10 से 15 मिनट में आप इस मंदिर को भी बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। अभी दोस्तों मेरी घड़ी में टाइम हो रहा है 11:20 हो रहे हैं और 2 घंटे में हमने यहाँ के सभी खूबसूरत मंदिर घूम लिए हैं। ये स्थान दोस्तों एक पवित्र जैन तीर्थस्थल है, इसलिए यहाँ पर आपको जैन धर्म के लोग ज़्यादा दिखाई देंगे। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है। इस मंदिर से पैदल 5 मिनट की दूरी पर मेन रोड है, जहाँ से हमें खेकड़ा रेलवे स्टेशन के लिए बैटरी रिक्शा और टेम्पू मिलेगा। मैंने बैटरी रिक्शा ले लिया है और मैं खेकड़ा रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुका हूँ। दोस्तों शेयरिंग में दोस्तों 10 रुपये किराया लगा है मेरा यहाँ से खेकड़ा रेलवे स्टेशन तक का। खेकड़ा रेलवे स्टेशन से यहाँ आने में मेरा 20 रुपये लगा था शेयरिंग में, लेकिन दोस्तों यहाँ से वापस जाने में 10 रुपये ही लगा है।
10 मिनट में मुझे बैटरी रिक्शे वाले ने रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया है। अभी दोस्तों टाइम हो रहा है 11:45 और 11:53 पर हमारी ट्रेन है दिल्ली मेमो एक्सप्रेस और ट्रेन का नंबर है 04020। हमारी ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट देरी से पहुँची है। आप देख सकते हो सामने हमारी ट्रेन आ चुकी है। अभी दोस्तों 12:02 हो रहे हैं। अब मैं अपनी सीट पर जाकर बैठूंगा। यह ट्रेन दोस्तों सिर्फ 1 मिनट के लिए ही रुकती है। इस ट्रेन में खेकड़ा रेलवे स्टेशन से दिल्ली तक का 30 रुपये किराया है पर व्यक्ति। यह पूरी गाड़ी जनरल क्लास है, आपको जनरल टिकट रेलवे स्टेशन से ही मिल जाएगी। यह ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी सब दिन चलती है। जिस ट्रेन से हम सुबह आए थे वो ट्रेन प्रतिदिन चलती है। एक बात और दोस्तों, कभी आपकी ये ट्रेन छूट जाती है तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। हर आधे घंटे एक एक घंटे पर ट्रेनें खेकड़ा रेलवे स्टेशन के लिए हैं और खेकड़ा रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए हैं। मैं उन सभी ट्रेनों की डिटेल और टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम सहारा रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। इस ट्रेन ने हमें 10 मिनट देरी से उतारा है। अभी टाइम हो रहा है 1:00 दोपहर के। इतना लेट तो चलता है दोस्तों हम 5 घंटे में बहुत ही आसानी से दिल्ली से त्रिलोक तीर्थ धाम मंदिर घूमकर हम वापस आ गए हैं, वो भी दोस्तों 100 रुपये के खर्चे में। कहाँ कितना खर्चा लगा वो मैंने आपको बता दिया है। दिल्ली से खेकड़ा रेलवे स्टेशन 30 रुपये, खेकड़ा रेलवे स्टेशन से मंदिर तक 20 रुपये, फिर वापसी में मंदिर से खेकड़ा रेलवे स्टेशन 20 रुपये, खेकड़ा रेलवे स्टेशन से दिल्ली 30 रुपये, टोटल 100 रुपये हमारा खर्चा हुआ है। दोस्तों अब वीडियो को मैं ही समाप्त करूँगा। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।